नमस्कार दोस्तों, जीनियस कट्टा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख प्रश्न, यूपीएससी स्टेट सर्विसेज इंटेलिजेंस ब्यूरो आरआरबी, एसएससी बैंकिंग और भी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नंबर ऑफ सवाल पूछे जाते हैं। इसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख प्रश्न देखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? आंसर है मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व जहाँ होता है उसको कहा जाता है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। अर्थशास्त्र का प्रमुख दो प्रकार पाए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, विकास पे बेसिस पर, और दूसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। विकास के तहत उसके थ्री प्रकार होते हैं। पहला होता है कैपिटलिस्ट, जो खासगी होता है। दूसरा होता है सोशलिस्ट, जिसको हम समाजवादी कहते हैं। और तीसरा होता है मिक्स इकोनॉमी, जो अभी भारत का है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, उसके बेसिस पे दो प्रकार होते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था और विकसनशील अर्थव्यवस्था। भारत का अगर इसमें कंपैरिजन करें तो भारत एक मिश्रित और विकसनशील अर्थव्यवस्था है। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, भारत को हम इस कैटेगरी में बिठा सकते हैं, मिश्रित और विकसनशील। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है? आंसर है सीमांत भौतिक उत्पादकता, जिसकी शून्य होती है उसको अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। ज़्यादातर छिपी हुई बेरोजगारी ग्रामीण भागों में पाई जाती है, स्पेशली कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ देखो फ्रेंड, शहरी भागों में और ग्रामीण भागों में जो बेरोजगारी पाई जाती है, यहाँ हमने उसका उल्लेख किया हुआ है। पहली है इंडस्ट्रियल बेरोजगारी और दूसरी है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। शहरी भागों में औद्योगिक बेरोजगारी और शैक्षणिक बेरोजगारी पाई जाती है। ग्रामीण भागों में ज़्यादातर सीजनल बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? आंसर है हैदराबाद। आंसर है हैदराबाद। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? आंसर है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। फ्रेंड्स, यहाँ हमने एक इमेज दी हुई है, इसमें बेरोजगारी के कारण बताए हुए हैं, डिमांड डिपिसिट और सप्लाई साइड, ये दोनों की तरफ से जो बेरोजगारी बढ़ती है उसके क्या कारण है ये इसमें दिया हुआ है। डिमांड डिपिसिट, इसमें हाई इंटरेस्ट रेट अगर रहा तो डिमांड डिपिसिट होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। ग्लोबल रिसेशन, निगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट, फाइनेंशियल अगर क्रिसिस हो गया तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। और इसमें और एक आप ऐड कर सकते हैं, वो है कोरोना। कोरोना के वजह से भी बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। उसके बाद है सप्लाई साइड, फ्रिक्शनल। उसके बाद है स्ट्रक्चरल मिसमैच ऑफ स्किल, स्किल ना होने के वजह से भी आपकी बेरोजगारी बढ़ती जाती है। ज्योग्राफिकल इमोबिलिटी। उसके बाद है रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट, पगार कम है और एजुकेशन ज़्यादा है, उसकी वजह से भी बेरोजगारी बढ़ती जाती है। टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से भी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है, आंसर है वित्तीय बाजार का एकीकरण। वित्तीय बाजार का एकीकरण। जागतिकीकरण जब होगा तो उसमें पर्यावरण, तुम्हारी संस्कृति, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ये सभी का एक दूसरे के साथ मिलाप हो जाता है। एक देश का दूसरे देश के साथ इसमें मिलाप हो जाता है। ग्लोबलाइजेशन ये हमारा अल्टीमेट गोल है। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, ग्लोबलाइजेशन ये हमारा अल्टीमेट गोल है। उसके लिए जो डायरेक्शन है, जो हम दिशा बोलते हैं, वो है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। उदारीकरण उसके लिए डायरेक्शन है और खासगीकरण उसका रास्ता है।
खासगीकरण ये है उसका रास्ता, अल्टीमेट हमारा गोल है ग्लोबलाइजेशन, उसके लिए डायरेक्शन है लिबरलाइजेशन, और रूट जो है उसका वो है प्राइवेटाइजेशन। ट्रिपल स्टार करिए फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? आंसर है IBRD, जिसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक के और भी दो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स है, उसमें से पहला है इज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें इंडिया की रैंक है 63। कितनी रैंक है फ्रेंड्स? 63। दूसरा रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक, इसमें हमने तीन रिपोर्ट देखे, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दूसरा इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, और तीसरा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, और ये पब्लिश कौन करती है? वर्ल्ड बैंक, ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है? आंसर है महबूब उल हक, और भारत की रैंक है 131, और वैल्यू कितनी है? 0.645, जिसको मध्यम कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इसके लिए 3 इंडेक्सेस होते हैं, पहला होता है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दूसरा होता है नॉलेज, और तीसरा होता है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये ध्यान में आप रख सकते हो। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ट्रिपल स्टार सवाल है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है और बहुत सारे युवा इसमें कंफ्यूज हो गए हैं। सवाल ऐसा पूछा जाता है, जब हमारे भारत में उदारीकरण का दौर चल रहा था, जागतिकीकरण का, 1991 में, तब हमारे भारत के पंतप्रधान कौन थे और वित्त मंत्री कौन थे? ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे वित्त मंत्री थे 1991 में, और प्रधानमंत्री थे पी वी नरसिम्हा राव। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? आंसर है कृषि क्षेत्र। फ्रेंड्स, यहाँ हमने ये सवाल ज़्यादा रोजगार देने वाला स्रोत कौन सा है इस डायरेक्शन से उठाया, इसके वजह से इसका आंसर है कृषि क्षेत्र। अगर GDP में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाला स्रोत पूछा जाता है तो वो है सर्विसेज। यहाँ ये मैप में आप देख सकते हो, सर्विसेज दिन बढ़ते जा रहा है 59%। ये जो है इंडस्ट्री, उसका भी दिन थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है 27%, और जो प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, उसका दिन घटते जा रहा है 14%। जैसे जैसे हम प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर पर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम विकसनशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र पे वाट चाल करेंगे। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर और क्यूनरी सेक्टर, इसकी लिस्ट दी हुई है, आप वो ध्यान में रख सकते हो। प्राथमिक क्षेत्र हंटिंग एंड गैदरिंग, उसके बाद पेस्टोरल एक्टिविटीज, मत्स्योत्पादन, फॉरेस्ट्री, कृषि, माइनिंग एंड क्वारिंग, खानकाम, ये है रेड कॉलर। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी सेक्टर, इसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, इनको ब्लू कॉलर कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र व्यापार, दलन वलन, कम्युनिकेशंस, व्हाइट कॉलर। उसके बाद है चतुर्थ क्षेत्र, टैक्स कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, स्टैटिस्टिशियंस, पर्सनल वर्किंग, यूनिवर्सिटी क्लासरूम्स, हॉस्पिटल एंड डॉक्टर ऑफिसेस, थिएटर्स, अकाउंटिंग एंड ब्रोकरेज फर्म्स, इनको कहता है नॉलेज सेक्टर। क्या कहा जाता है? नॉलेज सेक्टर। अब आते हैं पंचम सेक्टर पे, क्रिएशन, रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज, डाटा इंटरप्रिटेशंस, रिसर्च, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट, इनको गोल्ड कॉलर कहा जाता है। पंचम क्षेत्र के लोगों को गोल्ड कॉलर कहा जाता है। चतुर्थ क्षेत्र नॉलेज सेक्टर, टर्शरी व्हाइट कॉलर,
सेकेंडरी ब्लू कॉलर, और प्राइमरी सेक्टर जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं उसको रेड कॉलर कहा जाता है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई है? आंसर है 1956। 1956 भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किसने किया? आंसर है दादाभाई नौरोजी। ट्रिपल स्टार सवाल है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ एग्जाम में सवाल पूछा गया है। यह हमने विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने जो पर कैपिटा इनकम भारत का बताया था वो दिया हुआ है। पहले है दादाभाई नौरोजी, 1868 में दिया था उन्होंने, पर कैपिटा इनकम बताया था 20 रुपीज। एटकिंसन, उन्होंने बताया था 31 रुपीज। उसके बाद बेरिंग एंड बारबोर, उन्होंने बताया था 27 रुपीज। लॉर्ड कर्जन ने बताया था 30 रुपये। उसके बाद विलियम डिग्बी 17 रुपये। फिनले शिरास, उन्होंने 80 रुपये बताया था। वाडिया और जोशी, उन्होंने बताया था 44 रुपीज। लिप्टन ने बताया था 144 रुपीज। शाह एंड खम्बट्टा 74 रुपीज। विके आर वी राव 62 रुपीज। नटराजन 67 रुपीज। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 198 रुपीज। फ्रेंड्स, कभी कभी जोड़िया लगाने के लिए भी ये सवाल पूछा जाता है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? आंसर है राष्ट्रीय आय से। और एक कंसेप्ट किसने दी थी? अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण। ये भी सवाल पूछा गया है, किसने दी थी ये कंसेप्ट? राजकृष्ण ने। 50 से 70 के दशक तक निम्न आर्थिक वृद्धि के लिए हिंदू वृद्धि दर कहा जाता था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादाभाई नौरोजी। ड्रेन ऑफ वेल्थ। आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? आंसर है प्रति व्यक्ति आय। अब हम देखेंगे जीडीपी पर कैपिटा, उसका फार्मूला। वास्तविक जीडीपी, उसको डिवाइड करना है पॉपुलेशन से, उससे मिल जाता हमें जीडीपी पर कैपिटा। अगर रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिप्लेटर। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिप्लेटर। जीडीपी डिप्लेटर क्या होता है ये हम जानेंगे। जीडीपी डिप्लेटर यानी अपस्फीति कारक। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि की वजह उच्च कीमतों के कारण हुई है। सिंपल भाषा में बताएं तो जीडीपी डिप्लेटर यानी वो होता है कि जो जीडीपी में वृद्धि होती है वो उत्पादन की वृद्धि की वजह से नहीं होती, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से, महंगाई बढ़ने की वजह से वो होती है। एक्चुअल में जीडीपी कम ही रहती है, बट हमें दिखता तो ऐसा है कि बहुत सारी जीडीपी बढ़ती जा रही है, बट वो वैसा होता नहीं है। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इसकी वजह से वास्तविक जीडीपी निकालने के लिए जो नॉमिनल जीडीपी है उसको डिवाइड करना होता है जीडीपी डिप्लेटर से। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? आंसर है मुद्रा के प्रचलन से। इसका एक ही कंसेप्ट था, बैड करेंसी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपका खुद का एग्जांपल ले लीजिए। आपके पास एक फटी हुई नोट है और एक बहुत अच्छी वाली नोट है, तो आप खुद के पास रखते हो अच्छी वाली नोट और फटी हुई नोट दूसरे के माथे पे लगा देते हो, तो ये ग्रेशम का नियम है फ्रेंड्स। बैड करेंसी ड्राइव गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, यानी जो अच्छी वाली नोट है वो खिसे में रहती है और जो बेकार की नोट होती है वो हम सर्कुलेट ज़्यादा करते हैं। ये तत्व मोहम्मद तुगलक के टाइम भी अप्लाई हुआ था। मोहम्मद तुगलक, इसने चांदी के सिक्के के जगह तांबे के सिक्के चलाए थे। इसकी वजह से उस राज्य के जो लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, चांदी के सिक्के घर में रख दिए और तांबे के सिक्के पूरे राज्यों में सर्कुलेट होना शुरू हो गए। इसकी वजह से उसका जो मेन कंसेप्ट था वो फेल हो गया। मोहम्मद तुगलक इसके लिए फेमस है। सरकार द्वारा
पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना इसको क्या कहते हैं? आंसर है विमुद्रीकरण। 8 नवंबर 2016 आप सबको याद होगा ही होगा, रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा स्पीच दिया था, 500 और 1000 रुपये की नोट बंद करवा दी थी। ये सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण 1978 में हुआ था। मोरारजी देसाई तब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1000 रुपीज़ और 5000 रुपये के नोट बंद करवा दिए थे। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है उसको क्या कहते हैं? आंसर है मुद्रास्फीति। आंसर है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। फ्रेंड्स, यहाँ हमने सर्कुलेशन दिया हुआ है। सबसे पहले आता है डिप्रेशन, उसके बाद आता है रिकवरी, उसके बाद आती है प्रॉस्पिरिटी, रिप्लेशन, और उसके बाद आता है इन्फ्लेशन। बहुत सारे एग्जाम में साइकिल पूछी जाती है। डिप्रेशन आता है, उसके बाद रिकवरी, प्रॉस्पिरिटी, रिप्लेशन और इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बाद रिपीट डिस इन्फ्लेशन, उसके बाद आता है डिप्लेक्शन और उसके बाद आता है डिप्रेशन। डिस इन्फ्लेशन यानी फॉलिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जो धीमी गति से चलने वाली इकोनॉमी होती है उसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। लो बट कंसिस्टेंटली क्रीपिंग अप, धीमे गति से चलती है। उसके बाद दूसरा होता है चलने वाली इकोनॉमी, चलने वाली महंगाई। ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी होती है। ध्यान में रखिए फ्रेंड, चलने वाली महंगाई हर एक इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी होती है। उसका महंगाई का रेट होता है 2 से 10% तक। उसके बाद दौड़ने वाली 10 से 20% बेकार होती है, और हाइपर रन में जोर जोर से दौड़ने वाली हुसैन बोल्ट की तरह, वो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ही बेकार होती है। उसकी वजह से इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन दिया हुआ है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो होता है जिसको मांगनी तानजन्य कहा जाता है, और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वो होता है जिसको खर्च दाबजन्य चलनवाद कहा जाता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो किसकी वजह से होता है? तो उसके कारण विभिन्न है। पहला कारण है गवर्नमेंट के खर्चे में वाड़ होना, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाना। दूसरा होता है डिफिसिट फाइनेंसिंग, त्रुटि का अर्थ भरना। तीसरा होता है चीप मनी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, आरबीआई की चीप मनी पॉलिसी। और चौथा होता है ब्लैक मनी, काला पैसा जो होता है, काला धन, उसकी वजह से भी मांगनी तानजन्य हो जाती है। पांचवा होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। छठवा होता है पॉपुलेशन अगर बढ़ जाती है, खुद के पर्सनल खर्चे में भी अगर वाड़ हो जाती है तो उसकी वजह से भी मांगनी बढ़ जाती है। अभी हम देखेंगे खर्च दाबजन्य, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, वो किसके कारण होती है? अगर कृषि उत्पादन में चढ़ उतार आता है तो उसकी वजह से भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। अगर औद्योगिक वाड़ कम हो जाती है उसकी वजह से भी ये होता है। कभी कभी स्ट्राइक हो जाता है, आंदोलन हो जाते हैं, उसकी वजह से भी ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। सट्टेबाजी और साठेबाजी की वजह से भी ये बढ़ जाता है। कभी कभी ड्रॉट आता है, पूर आता है, सुनामी आती है, इसके वजह से भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाता है। अभी कोरोना आ गया, उसके वजह से भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाता है। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कम रहा तो भी खर्च दाबजन्य महंगाई बढ़ जाती है। तो ये इसके कारण है फ्रेंड्स। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। आंसर है ऋणी। आंसर है ऋणी। कैसा? तो हम एग्जांपल देकर बताते हैं आपको। 2018 में आपके दोस्त ने आपसे 10,000 रुपये ले लिए, और उसने 2021 में आपको 10,000 रुपये लौटा दिए। तो 2018 में पेट्रोल का दाम था, एग्जाम्पल लो 80 रुपये, अभी 2021 में हो गया 100 रुपये लीटर। तो अभी फ्रेंड्स 10,000 में, 2018 में जितना पेट्रोल मिलता था वो 10,000 में 2021 में उतना नहीं मिलेगा। इसकी वजह से फायदा किसको हो गया? जिसने आपका पैसा लिया था।
तो ये सवाल में भी वही पूछा है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है ऋणी। अगर महंगाई बढ़ जाती है तो इसका वजह से जो लेने वाला होता है उसको उसका बेनिफिट मिलता है। अगला सवाल है, घाटे की वित्त व्यवस्था में डिफिसिट फाइनेंसिंग, व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप पर पाट्य है। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि अगर विफल हुई तो उससे कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? आंसर है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति फ्रेंड्स, डिफिसिट फाइनेंसिंग वो होता है इकोनॉमी को चालना देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कर्जा उठाती है और देश में विभिन्न स्कीम शुरू करती है, जैसे आत्मनिर्भर योजना शुरू हो गई, किसानों को जो 6,000 रुपये शुरू कर दिए, तो इसकी वजह से क्या होता है, डिफिसिट फाइनेंसिंग हो जाती है। इसका उद्देश्य रहता है देश का आर्थिक विकास करना, बट कभी कभी ये फेल हो जाता है, तो उसकी वजह से होता है महंगाई बढ़ जाती है। यहाँ भारत का परसेंटेज ऑफ डिफिसिट जीडीपी के परसेंटेज में वित्तीय तूट डी हुए, एक्चुअल 2019-20 में कितनी थी, रिवाइज 2020-21 में कितनी हो गई और बजट 2021-22 में कितनी है। फिस्कल डिफिसिट एक्चुअल थी 4.6%, 2020-21 में हो गए 9.5% और बजट में 6.8%। रेवेन्यू डिफिसिट 3.3, रिवाइज हो गए 7.5 और बजट में है 5.1% 2021-22 के लिए। ये जो अभी फ़रवरी में बजट पेश हुआ उसमें ये दिया हुआ है। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक और ग्राहक मूल्य सूचकांक, या दोनों के डिफरेंस दिए हुए। ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और ये है होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी ग्राहक मूल्य सूचकांक और होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचकांक। इट मेजर द चेंज इन द रिटेल प्राइसेस ऑफ गुड एंड सर्विसेज। और ये क्या मेजर करता है, इट मेजर द चेंज इन प्राइस ऑफ गुड चार्ज बाय होलसेलर। ये मंथली पब्लिश होता है, ए वीकली पब्लिश होता है। फ्रेंड्स ये स्टार कर दो, सीपीआई में बोथ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होता है और होलसेल प्राइस इंडेक्स में ओनली वस्तुएं इंक्लूड होती है। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विसेज, होलसेल प्राइस इंडेक्स में ओनली गुड्स। इसमें 8 कैटेगरी के प्रोडक्ट एंड सर्विस इंक्लूड होते हैं। इसमें प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल्स, पावर, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इंक्लूड होते हैं। इसका बेस ईयर कैलेंडर ईयर होता है, तो इसका ईयर फाइनेंशियल ईयर होता है। इसका बेस ईयर फाइनेंशियल ईयर होता है, कैलेंडर ईयर यानी 2012, इसका फाइनेंशियल ईयर यानी 2011-12 ऐसा। इट सर्कुलेट द फाइनल स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन, इट मेजर इन्फ्लेशन इन द फर्स्ट स्टेज। सीपीआई इज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए सीपीआई इम्पोर्टेंस होता है, और डब्ल्यूपीआई हु कीप द ट्रैक ऑफ होलसेल प्राइसेस उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया, आंसर है 1993-94 के केंद्रीय बजट में। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है, सोना चांदी। सोना चांदी भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 में इसकी कोलकाता में स्थापना हुई। अभी के गवर्नर है शक्तिकांत दास और आरबीआई का मुख्यालय अभी है मुंबई में, और इसका लेखा वर्ष होता है जुलाई से लेके जून तक, जुलाई से लेके जून तक। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है, आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक फ्रेंड्स, दो प्रकार की पॉलिसी होती है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी, ये राजकोषीय और ये मौद्रिक। राजकोषीय पॉलिसी ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है और मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक, जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसका स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता है, इसका टारगेट होता है महंगाई कम करना। साइड इफेक्ट्स ऑन गवर्नमेंट बजट और बोरोइंग
इसका साइड इफेक्ट होता है एक्सचेंज रेट एंड हाउसिंग मार्केट। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है, आंसर है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला बैंक, आंसर है नाबार्ड। और नाबार्ड का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। और कमेटी कौन थी? बी शिवरामन कमेटी, बी शिवरामन कमेटी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ दिख रही है फ्रेंड्स सभी ट्रिपल स्टार है। नंबर ऑफ एग्जाम में, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ सवाल इसके रिलेटेड पूछे गए हैं। इसके वजह से नाबार्ड से रिलेटेड आप सभी ध्यान में रखिए। नाबार्ड का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। स्थापना हो गई 12 जुलाई 1982। कौन सी कमेटी के तहत? बी शिवरामन कमेटी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? 500 करोड़ रुपये। कितना है फ्रेंड्स? 500 करोड़ रुपये। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? 1963। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1988। और इसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 30 अप्रैल 1992। हर्षद मेहता का घोटाला जब हुआ था उसके बाद इसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अभी वेब सीरीज भी उसके रिलेटेड आ गई, आप देख सकते हो। उस वेब सीरीज का नाम है स्कैम 1992। हर्षद मेहता पे बेस है, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। नेक्स्ट सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, आंसर है 1949। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है सरकारी बॉन्डों का क्रय और विक्रय, क्रय और विक्रय। फ्रेंड्स एक कैपिटल मार्केट होती है और एक दूसरी होती है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट यानी वो होती है जिसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज इश्यू होते हैं और ट्रेड होते हैं, और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होती है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए। इसकी मैच्योरिटी 1 ईयर और उसके ज़्यादा भी होती है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म होती है, इसके वजह से ज़्यादातर मैच्योरिटी 1 साल के लिए होती है। लिक्विडिटी कंपैरेटिवली लोअर, इसकी हाई लिक्विडिटी होती है मनी मार्केट में। रिस्क फैक्टर कैपिटल मार्केट में हाई होता है, मनी मार्केट में लो होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली हायर, कंपैरेटिवली इसमें हायर होता है और इसमें लोअर होता है। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, म्यूनसिपल नोट्स, मनी फंड्स, रिपर्चेस अग्रीमेंट, स्वैम्स, इसमें होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर, करेंसी और डेरिवेटिव्स मनी मार्केट में। सस्ती मुद्रा का अर्थ है, आंसर है ब्याज की कम दर, ब्याज की कम दर। फ्रेंड्स सस्ती मनी पॉलिसी से महंगाई बढ़ जाती है और टाइट मनी पॉलिसी से महंगाई कम हो जाती है। ये देखो यहाँ रिसेशन आ जाता है और यहाँ इन्फ्लेशन आ जाता है। लूज मनी पॉलिसी की वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है, इसमें कर्ज लेना सुलभ हो जाता है। जैसा कोरोना के बाद अभी स्थिति जो दिख रही है उसमें लूज मनी पॉलिसी है फ्रेंड्स। आरबीआई ने खुद के रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर कम किए हुए, इसके वजह से कर्जा लेना बहुत ही स्वस्थ हो गया है। इसको बोलते हैं लूज मनी पॉलिसी। और टाइट मनी पॉलिसी में कर्जा लेना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, ब्याज दर बढ़ जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण भरते हैं।
केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण भरते हैं। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं गर्म मुद्रा, हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी। वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति 1991 ने स्थापित करने का सुझाव दिया था। आंसर है बैंकिंग संरचना का चार स्तरीय अधिक्रम। ये देखो फ्रेंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक में दो टाइप होते हैं, कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल में चार टाइप होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। पब्लिक सेक्टर में थ्री टाइप होते हैं, SBI एंड एसोसिएट, नेशनलाइज बैंक एंड अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। और कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्री टाइप होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव और अदर कोऑपरेटिव बैंक्स। सरकार अर्थोपाय ऋण वेज एंड मिन एडवांसेस लेती है RBI से। किससे लेती है? RBI से। फ्रेंड्स, कम कालावधि के लिए राज्य सरकार जो ऋण लेती है उसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है अर्थोपाय ऋण, वे एंड मीन एडवांसेस, और दूसरा होता है ओवरड्राफ्ट। इसमें वे एंड मीन एडवांसेस में दो टाइप होते हैं, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी और नॉर्मल WMA, वे एंड मीन एडवांसेस। स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी में इंटरेस्ट रेट रेपो रेट -1% होता है, और नॉर्मल वे एंड मीन एडवांसेस में रेपो रेट की तरह होता है, इंटरेस्ट रेट रेपो रेट की तरह होती है। दूसरा होता है ओवरड्राफ्ट, इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, रेपो प्लस 2%। रिजर्व ट्रेंच स्थिति एक शब्द है जिसका निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। किसी सदस्य के कोटा और IMF की मुद्रा के होल्डिंग्स के बीच जो अंतर होता है उसको बोलते हैं रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रही है? राष्ट्रीय वेक्टर बॉन्ड रोग नियंत्रण एंड पोलियो उन्मूलन बराबर है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना ये भी बराबर है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये भी बराबर है। ये तीनों भी जो योजना थी ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रही थी। राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? आंसर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो शुरू हुई थी 29 मई 2007। निम्नलिखित में कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? पहला है CPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, IIP, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। तीसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। CPI, IIP और WPI, ये तीनों भी डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? आंसर है निगम कर। फ्रेंड्स, यहाँ हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दिए हुए। प्रत्यक्ष कर का इंसिडेंस और इम्पैक्ट एक ही व्यक्ति पर होता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता, उसका इंसिडेंस अलग व्यक्ति और इम्पैक्ट अलग व्यक्ति पे होता है। डायरेक्ट टैक्स हेल्प रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशन और इनडायरेक्ट टैक्स कॉन्ट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशन। डायरेक्ट टैक्स से महंगाई कम हो जाती है और इनडायरेक्ट टैक्स से बढ़ती है। डायरेक्ट टैक्स में आपका जो बर्डन है वो दूसरे पे थोप नहीं सकते, बट इनडायरेक्ट टैक्स में वो हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, परक्विजाइट टैक्स, और इसमें है GST और एक्साइज ड्यूटी। GST फ्रेंड से अप्रत्यक्ष कर है, और एक्साइज ड्यूटी ये भी अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान में रखिए दोनों भी इम्पोर्टेंट है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और विदेशी संस्थागत निवेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट किस मामले में अलग है? आंसर है FDI पूंजी प्रौद्योगिकी और प्रबंधन, FII है केवल पूंजी लाता है। FDI की वजह से पूंजी आती है, प्रौद्योगिकी आती है और प्रबंधन भी होता है।
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से केवल पूंजी आती है। या फ्रेंड्स एफडीआई और एफआईआई दिया हुआ है। एफडीआई में फॉरेन कंपनी ब्रिंग्स कैपिटल इनटू कंट्री टू सेटअप प्रोडक्शन। एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए होती है और एफआईआई शॉर्ट टर्म के लिए। इसके वजह से जब भी आप मार्केट में जाते हो, शेयर मार्केट कभी कभी अचानक गिर जाता है, उसका रीज़न ये होता है कि उसके पीछे एफआईआई होता है, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। और एफडीआई होता है लॉन्ग टर्म। एफडीआई की वजह से इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, इकोनॉमी इंक्रीज होती है। और एफआईआई की वजह से इकोनॉमी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। एफडीआई की वजह से फ्रेंड्स एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन हो जाता है। एफआईआई की वजह से उसमें एम्प्लॉयमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। एफडीआई की वजह से जीडीपी भी इंक्रीज होती है, इससे जीडीपी इंक्रीज नहीं होती। इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनी सब्सिडरीज एफडीआई, ये होती है सेकेंडरी मार्केट में, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। इसका मोटिव होता है कंट्रोल और एफआईआई का मोटिव होता है प्रॉफिट। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में निर्धारित किया गया था? आंसर है राजस्व घाटे को, रेवेन्यू डिफिसिट, 2007 और 8 तक समाप्त करना इसका मेन उद्देश्य था, जो साध्य नहीं हुआ। राजकोषीय घाटे को 2007-8 तक 3% तक लाना। कुछ स्थितियों को छोड़कर आरबीआई से केंद्र सरकार द्वारा गैर उधार लेना। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में किसी वित्तीय वर्ष में सरकारी गारंटी को ठीक करना, ये उसके उद्देश्य थे। निम्नलिखित में से क्या सही प्राथमिक घाटे को बताता है? आंसर है वित्तीय घाटा, उससे माइनस करो ब्याज भुगतान। वित्तीय घाटा वजह ब्याज भुगतान। फ्रेंड्स यहाँ हमने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले दिए हुए जो इकोनॉमिक से संबंधित है। रेवेन्यू डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव। बजटरी डिफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव, एक्सक्लूडिंग नेट सेल ऑफ ट्रेजरी बिल, एक्सक्लूडिंग नेट सेल ऑफ ट्रेजरी बिल। मोनेटाइज डिफिसिट, इंक्रीज इन नेट आरबीआई क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। फिस्कल डिफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव प्लस रिकवरी ऑफ लॉस प्लस रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट बाय द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। प्राइमरी डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डिफिसिट होता है वित्तीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, जो सवाल में पूछा गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? 1948। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के रूप में कितने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे क्षेत्रों को जाना जाता है, जिनका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक डेटा के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर है 8। आंसर है 8। और कौन कौन से है फ्रेंड्स? कोल, इसका वेटेज है 10.33%। दूसरा है क्रूड ऑयल 8.98%। तीसरा है नेचुरल गैस 6.88%। रिफाइनरी 28.04%। स्टील 17.92%। सीमेंट 5.37%। फर्टिलाइजर 2.63%। और इलेक्ट्रिसिटी 19.85%। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डॉक्टर एनसी सक्सेना समिति किस पर सलाह देने के लिए बनाई गई थी? आंसर है बीपीएल जनगणना के लिए उपयुक्त पद्धति पर सलाह देने के लिए। और अर्बन एरियाज के लिए एसआर हाशिम। फ्रेंड्स दो कमेटी है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डॉक्टर एनसी सक्सेना ग्रामीण भागों के लिए, और अर्बन एरियाज में एसआर हाशिम। एसआर हाशिम वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? आंसर है रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1975 में हुई थी। 26 सितंबर 1975। और कमेटी कौन सी थी? नरसिम्हा कमेटी ऑन रूरल क्रेडिट, नरसिम्हा कमेटी ऑन रूरल क्रेडिट। और इसका अधिनियम बनाया था 1976 में।
फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अधिनियमन पहले बनाया जाता है उसके बाद स्थापना होती है, बट यहाँ उल्टा हुआ है। पहले बैंक की स्थापना हो गई 1975 में और अधिनियमन बना 1976 में, और ये सवाल नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाता है, ध्यान में रखिए। अधिनियमन 1976, स्थापना हुई 1975 में। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया, आंसर है 1949। एक रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते वित्त मंत्रालय के सचिव के। स्टैगफ्लेशन की स्थिति है गतिरोध और मुद्रास्फीति की। ये देखो फ्रेंड, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है, जीडीपी कम होते जाता है, बेरोजगारी बढ़ती जाती है। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम के क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था है, आंसर है नाबार्ड। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहते हैं, आंसर है ट्रेजरी बिल। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व बैंक अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य है वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। क्या होगी, कम मुद्रा होगी। फ्रेंड्स ये जो यहाँ रेट दिख रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेपो रेट, रीपर्चेसिंग रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये सभी रेट हम इकोनॉमी का जब लेक्चर लेंगे तब बताएंगे, आप पुस्तक में पढ़ सकते हो, क्योंकि ये अगर पूरे बताए तो इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। हमारा सवाल था जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशो में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य होता है वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। तो कैसे, तो हम यही बताएंगे, कैश रिजर्व रेशो है 4%, कंसिडर करो। बैंक को रिजर्व बैंक के पास कैश रिजर्व रेशो रखना पड़ता है, अगर बैंक के पास है 1000 करोड़ रुपीज तो उसमें से 4% उनको रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ेंगे। वो रिजर्व बैंक के पास रखे तो बचे हुए उसमें जो है उनको लोगों को देने के लिए कम रहेंगे। इसकी वजह से सवाल में जो पूछा गया है, अगर ये रेशो बढ़ जाता है यानी 4% से 5% हो जाता है तो उसकी वजह से बैंक के खुद के पास कम पैसा बचेगा लोगों को लोन देने के लिए, तो सवाल में वही पूछा गया है। क्रेडिट कार्ड के नाम से जानी जाती है प्लास्टिक मनी, क्या है प्लास्टिक मनी। हाल ही में अनुमोदित आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई है, आंसर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बराबर है, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना ये भी बराबर है। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपये का बीमा है और 10 करोड़ परिवारों को लाभ मिल रहा है, 10 करोड़ परिवारों को लाभ, कौन सा है आयुष्मान भारत। हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के निम्नलिखित मूल्य सूचकांकों में से कौन सा माना जाता है, आंसर है होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, आंसर है केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा। केंद्र सरकार उसके लिए खरीदारी करती है, भंडारण करती है, अनाज के परिवहन का खर्चा उठाती है, राज्य सरकारों को अनाज के बल्क आवंटन देती है और राज्य सरकार उसका परिचालन करती है, गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को पहचान करती है, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण, ये सभी काम है राज्य सरकार के। वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958। सरफासी अधिनियमन है, फुल फॉर्म है उसका सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट। वित्तीय संपत्तियों की सुरक्षा और पुनर्निर्माण और सिक्योरिटीज ब्याज परिवर्तन अधिनियमन, ये 2002 में पारित हुआ था। यह बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को ऋण वसूलने के लिए
आवासीय या व्यावसायिक संपत्तियों की नीलामी करने की अनुमति देता है। सर्फेसी एक्ट 2002। भारत में नोट छपाई की जगह निम्नलिखित में से कहाँ है? नासिक में बराबर है, होशंगाबाद ये भी बराबर है, हैदराबाद ये भी बराबर है, देवास ये भी बराबर है। और सिक्के कहाँ होते हैं? कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा। कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नोएडा में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मिलने वाली वस्तुएं हैं। पहला चावल बराबर है, गेहूँ, चीनी, मिट्टी का तेल। चारों ही वस्तुएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिनको हम राशन का दुकान बोलते हैं वहाँ मिलती है। इनमें कौन से मिलान सही है? गोल क्रांति आलू बराबर है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन ये भी बराबर है। फ्रेंड्स, जीनियस कट्टा ने प्रमुख क्रांति से संबंधित एक वीडियो YouTube पे अपलोड किया हुआ है, अगर आपको ये देखना है तो YouTube पर जाकर आप देख सकते हो। उसमें कृषि से संबंधित सभी क्रांतियों का उल्लेख किया हुआ है। मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है क्योंकि यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। इसकी वजह से मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही करता है। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियमन कब पारित हुआ? आंसर है 2006। और लागू कब हुआ? 2011। लागू कब हुआ? 2011। भारत में कृषि एवं संबंध गतिविधियों में ऋण वितरण में किसका हिस्सा सर्वाधिक है? आंसर है वाणिज्यिक बैंक। आंसर है वाणिज्यिक बैंक। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? आंसर है ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो। आसानी से सुलभ न हो। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सांवैधानिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं नकदी रिजर्व। नकदी रिजर्व। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? आंसर है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। जैसे जैसे बैंक दर कम हो जाते हैं बाजार की तरलता बढ़ जाती है, बाजार में कर्ज लेना सुलभ हो जाता है, घरों की कीमत कम हो जाती है, घरों पर लोन लेना बहुत ही इजी हो जाता है। किसी वित्तीय वर्ष में PPF खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी है? आंसर है 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये। टीजर रूम क्या है? आंसर है बैंकों द्वारा प्रभारित अस्थिर ब्याज दर। बैंकों द्वारा प्रभारित अस्थिर ब्याज दर। टीजर लोन इन्वॉल्व्स ए लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम इन द इनिशियल पीरियड। जैसा इनिशियल पीरियड होता है उसमें कम ब्याज दर रहता है। टीचर लोन्स आर जनरली ऑफर्ड फॉर पर्सनल लोन, कार लोन्स एंड होम लोन्स। बेनिफिट क्या होता है इससे? फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन हेल्प अट्रैक्ट द कस्टमर और बैरोवर के लिए भी हेल्प टू सेव ऑन टोटल लोन कॉस्ट, ये बेनिफिट हो जाता है। अभी बैंकों द्वारा टीचर लोन मिल रहा है कोरोना के बाद भारत में बैंकों के ब्याज दर कम हो गए, जिसकी वजह से बैंकों द्वारा ग्राहकों को खींचने के लिए नंबर ऑफ ऑफर मिल रही है। RTGS लेन देनों के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा रुपए में क्या है? आंसर है निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख रुपए और अधिकतम सीमा कोई भी नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ हमने डिफरेंस दिया हुआ है NEFT, RTGS और IMPS। NEFT इसमें मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू है 1 रुपया, RTGS में 2 लाख रुपए और इमीडिएट पेमेंट में 1 रुपया। पेमेंट ऑप्शन इसमें ऑफलाइन है, ऑनलाइन भी है। NEFT में, RTGS में ऑनलाइन और ऑफलाइन, IMPS में ऑनलाइन। मैक्सिमम ट्रांजैक्शन ये बैंक से बैंक वेरी होता है। RTGS में भी बैंक से बैंक वेरी होता है। IMPS में 2 लाख। सेटलमेंट टाइप है हाफ आवरली बेसिस NEFT में, RTGS में रियल टाइम और IMPS में रियल टाइम। सर्विस टाइमिंग
24/7, RTGS 24/7 और IMPS 24/7। फ्रेंड्स ध्यान में रखिए, NEFT भी अभी 24/7 हो चुका है। 2020 से दिसंबर 2020 से NEFT भी 24/7 हो चुका है। UPI का फुल फॉर्म देखते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। NEFT का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियाँ बतौर बफर चल निधि की काम करती है वो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR। ये देखो फ्रेंड्स SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। पहला है कैश रिजर्व रेशो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और SLR है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसकी वजह से बैंकों के पास कम पैसा रहता है ग्राहकों को देने के लिए। अगर इसमें 1,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए तो बैंकों के पास 740 रहेंगे, और इसमें से 60 रुपये कैश रिजर्व रेशो और SLR 200 रुपये, ऐसे RBI के पास उनको सेव करना पड़ता है। ये इसकी वजह से होता है कि बैंकों को डुबाने से बचाने के लिए CRR और SLR होता है। फ्रेंड जब CRR SLR रेपो रेट कट हो जाता है तो डिपॉजिट रेट भी कम होते जाता है, और इससे क्या हो जाता है, मनी सप्लाई बढ़ जाता है, ग्रोथ होती है, लिक्विडिटी बढ़ती है और परचेसिंग पावर भी बढ़ती है। चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखत पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की साई से मुद्रित 9 अंकीय संख्या को क्या कहलाते हैं? आंसर है MICR कोड। MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? आंसर है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण। प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग, इसमें एग्रीकल्चर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है। फ्रेंड्स ये ट्रिपल स्टार सवाल है। इसमें एक्सपोर्ट क्रेडिट है, शिक्षण है, हाउसिंग है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुनर्निर्मित ऊर्जा है, और अदर्स में पर्सनल लोन टू वीकर सेक्शन, लोन टू डिस्ट्रेस पर्सन, लोन टू स्टेट स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन फॉर SC & ST। कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि उपलब्ध करता है? आंसर है सिबिल। इसकी वजह से जब भी आप बैंक में जाते हो तो बैंक पहले आपको लोन देने के पहले चेक करती है कि आपका सिबिल स्कोर कितना है। सिबिल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। यह हमने आपको दिया हुआ है सिबिल स्कोर क्या है और सिबिल रैंक क्या है। सिबिल स्कोर तब यूज होता है जब पर्सनल लोन बैंक देती है किसी को, और सिबिल रैंक तब यूज होता है जब एकाधि बिजनेस के लिए बैंक लोन अप्रूव करती है। सिबिल स्कोर 300 से 900 तक होता है, इसकी रेंज है 300 से 900 तक, और ये आपका क्रेडिट वर्दीनेस मेजर करता है कि अगर आपको कर्ज दे दिया तो आपकी लौटाने की हैसियत कितनी है। ये स्कोर जितना हाई रहेगा उतना आपको लोन अप्रूवल मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा, इसलिए हर एक बैंक सिबिल स्कोर चेक करती है। अभी HDFC बैंक की तरफ से सिबिल स्कोर फ्री में मिल रहा है, आप HDFC बैंक सिबिल स्कोर नेट पे डाल दीजिए, आपका सिबिल स्कोर आ जाएगा। व्हाट इज दी सिबिल रैंक, ये 1 से लेके 10 तक होती है, इसकी रेंज जितनी कम उतना आपको लोन मिलने का चांस ज़्यादा हो जाता है, बट ये बिजनेस के लिए होता है। सिबिल रैंक बिजनेस के लिए, सिबिल स्कोर पर्सनल लोन के लिए। सिबिल स्कोर 300 से लेके 900 तक, और जितनी रेंज ज़्यादा उतना अच्छा, इसमें उसका उल्टा है, इसमें 110 तक जितनी रेंज कम उतना अच्छा। दर जिस पर देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है और उसके विपरीत उसे क्या कहते हैं? आंसर है विनिमय दर। संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में प्रतिभूतियाँ होती है। आंसर है 30
आंसर है 30 और निफ्टी में 50। निफ्टी में 50। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर है, आंसर है 74%। 74% और ये हो गया बजट 2021 के तहत। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है, आंसर है नरसिम्हन टू 1998। और पहली जो नरसिम्हन कमेटी थी 1991 की, वो थी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स से संबंधित। नरसिम्हन टू अगर पूछी जाती है तो बैंकिंग क्षेत्र, और नरसिम्हन फर्स्ट फाइनेंशियल सेक्टर। शून्य आधारित बजट क्या है, इसका आंसर है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, और ये बजट की तकनीक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने निकाली है। इसका शून्य आधारित बजट शब्द सबसे पहले पीटर पायर ने यूज़ किया था। स्टार करिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ एग्जाम में सवाल पूछा गया है शून्य आधारित बजट की खोज किसने निकाली, तो पीटर पायर। भारत में शून्य आधारित बजट 1987-88 में पेश किया गया था। संशोधित मूल्यवर्धित कर मॉडवैट का संबंध है, आंसर है उत्पाद शुल्क। 1976-77 में वैल्यू एडेड टैक्स था, जिसको मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता था। 1986-87 में उसको मॉडवैट नाम दे दिया, मॉडिफाइंग वैट, और 2001 में सेन वैट, सेंट्रल वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। 1977-77 मैन वैट, 1986-87 मोड वैट, और 2001 सेन वैट। राजकोषीय घाटा है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। संपदा कर वेल्थ टैक्स भारत में पहली बार किस वर्ष से लागू किया गया, 1957। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होता है, आंसर है प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश करते हैं। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है, आंसर है राजकोषीय घाटा। फिस्कल डिफिसिट टारगेट फॉर 2020-21 का 3.5% था, और रियलिटी में 9.5% ऑफ जीडीपी, और किसकी वजह से, ड्यू टू द डबल इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। होने की वजह से भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, आंसर है वित्त मंत्रालय। संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है, आंसर है सीमा शुल्क। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है, आंसर है यम विश्वेश्वरैया। पंचवार्षिक योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। फ्रेंड्स, जिनेस कट्टा ने पंचवार्षिक योजना के संबंधित प्रश्नों का एक वीडियो YouTube पे अपलोड किया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हो। उसमें पंचवार्षिक योजना से संबंधित सभी प्रश्न दिए हुए, एग्जाम में इसके पहले आए हुए और भी अन्य प्रमुख प्रश्न दिए हुए, आप वो देख सकते हो। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूचिका। भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था, 1944। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवार्षिक योजना के अंतर्गत की गई थी, आंसर है पहली। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे गुलजारीलाल नंदा। प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना के बारे में सही है, इसकी शुरुआत मार्च 2015 में हुई थी।
ये कौशल्य विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा, ये भी बराबर है। इसका मुख्य ध्यान 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों पर रहेगा, ये भी बराबर है। संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किसके जन्म दिवस पर की गई थी? आंसर है जयप्रकाश नारायण। ऑलरेडी ये सवाल पूछा गया है फ्रेंड्स। संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किसके जन्म दिवस पर की गई थी? जयप्रकाश नारायण। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को कब शुरू किया गया था? 2001। 2001। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इंदिरा आवास योजना के बारे में सही है? इसे वर्ष 1985-86 में शुरू किया गया था, बराबर है। वर्तमान में यह भारत निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा है, ये भी बराबर है। इसके न्यूनतम 60% फंड को अनुसूचित जाति TSS के घरों के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, बराबर है। राजीव आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्लम मुक्त भारत, झोपड़ी मुक्त भारत। ट्राइसेम के लिए बनाया गया एक कार्यक्रम है, आंसर है ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए बनाया गया एक कार्यक्रम। इसका फुल फॉर्म है ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और कब लॉन्च हुआ? 1979। 1979। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? आंसर है केंद्र सरकार। आंसर है केंद्र सरकार। और सुझाव कौन देता है? कृषि एवं मूल्य लागत आयोग, कृषि एवं मूल्य लागत आयोग। फ्रेंड्स, यहाँ रबी विपणन वर्ष 2021-22 के MSP दिए हुए, 2020-21 में कितनी थी, 2021-22 में कितनी है, ये बहुत सारा आगे दिया हुआ है। गेहूं का 2020-21 में 1925, अब उसका हो गया 1975। जौ का 1600, हम 2021-22 के देखेंगे, बाकी का देखना है तो आप देख सकते हो। जौ का 1600, चना 5100, 5100, मसूर 5100, सरसों 4650, 4650, और कुसुम्बा 5327, कुसुम्बा है 5327। फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है गेहूं के लिए 1975, जौ के लिए 1600, चने के लिए 5100, चने के लिए 5100, मसूर के लिए 5100, सरसों के लिए 4650 और कुसुम्बा के लिए 5327। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू किया गया? 2005-06। 2005-06। वह कौन सी कर प्रणाली है जिसमें कर उत्पादन के हर चरण पर लगाया जाता है? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? बिक्री कर। कौन सा कर है? बिक्री कर। फ्रेंड्स, अभी GST लागू हो गया है, तो इसमें CGST में कौन कौन से आते हैं, SGST में कौन कौन से आते हैं और IGST में कौन कौन से कर आते हैं, ये हमने यहाँ दिया हुआ है। CGST में आता है एक्साइज ड्यूटी, ED, सर्विस टैक्स, सरचार्ज एंड सेस। SGST में जो स्टेट गुड सर्विसेज टैक्स है उसमें वैट, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, सरचार्ज एंड सेस। और IGST में CST, CVD एंड सैड, CVD एंड सैड। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार लगाती है लेकिन उसे वसूलने का काम राज्य सरकार करती है? आंसर है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी। कर आश्रय टैक्स हेवन किसे कहा जाता है? आंसर है एक ऐसा देश जो विदेशी नागरिकों को यह सुविधा देता है कि उसके देश में रहकर कोई भी कर नहीं देना होगा, उसको टैक्स हेवन कंट्री कहते हैं। और भारत में इसी टैक्स हेवन कंट्री से ज़्यादा इन्वेस्ट होती है, मॉरिशियस, सिंगापुर, ये एग्जाम के तौर पर आप ले सकते हो। यहाँ जो रेड स्पॉटेड कंट्रीज है वो सभी टैक्स हेवन कंट्रीज है, ये देखो मॉरिशियस, सिंगापुर, मकाऊ, बहरीन, साइप्रस, माल्टा, जिब्राल्टर, चैनल आइलैंड, नीदरलैंड, लक्जेमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ये बरमूडा, बहामास, केमन आइलैंड, कोस्टा रिका,
पनामा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, बारबाडोस। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ सभी जगह टैक्स हेवन कंट्रीज है ये, और यहाँ विदेशी नागरिकों को टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसकी वजह से ज़्यादातर इन्वेस्ट लोग इस देशों में जाकर करते हैं, जैसे भारत, यहाँ लोग जाते हैं और वहाँ से इन्वेस्ट भारत में करते हैं। भारत में किस तरह के कर प्रणाली पाई जाती है? आंसर है अधोगामी। आंसर है अधोगामी। तीन प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, प्रोग्रेसिव, पुरोगामी, प्रोपोर्शनल, और दूसरा होता है प्रतिगामी। तो भारत में है प्रतिगामी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत में निगम कर से सरकार को सबसे ज़्यादा आय प्राप्त होती है, बराबर। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य महाराष्ट्र है, ये भी बराबर है। ये देखो फ्रेंड, 2021-22 में जो बजट एस्टिमेशन है उसमें से रुपया कैसे आएगा और रुपया कैसे जाएगा ये दिया हुआ है। हम खाली यहाँ एक ही देखेंगे अभी, रुपया कैसे आएगा। ये है कॉरपोरेशन टैक्स 13%, इनकम टैक्स 14%, कस्टम 3%, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज 8%, गुड एंड सर्विसेज टैक्स 15%, नॉन टैक्स रेवेन्यू 6%, नॉन डेप कैपिटल रिसीव 5%, बॉरोइंग एंड अदर लायबिलिटी 36%, और रिवाइज उसका हो गया ये 18% हो गया, ये 17, ये 4, ये 7, ये 18, ये 10, ये 16 और ये 20। यहाँ से आप देख सकते हो फ्रेंड्स और कंपैरिजन कर सकते हो। निम्न में से कौन विशेष आहरण अधिकार से संबंधित है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ट्रिपल स्टार सवाल है फ्रेंड्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स से कौन संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसमें करेंसी दी हुई है और उसका वेटेज कितना है ये दिया हुआ है। यूएस डॉलर का है 41.73, यूरो का है 30.93, रेनमिनबी जो चाइना की है उसका है 10.92, जापान का येन है 8.33, और पाउंड स्टर्लिंग 8.09%, सबसे ज़्यादा है यूएस डॉलर 41.73, यूरो का है 30.93। ये कभी कभी फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा से कम तक सीरियल लगाने के लिए भी कहते हैं, तो ध्यान में रखिए यूएस डॉलर सबसे ज़्यादा, उसके बाद आता है यूरो, उसके बाद रेनमिनबी, उसके बाद जापानीज येन, और उसके बाद पाउंड। इनमें से कौन विश्व व्यापार संगठन का खंड है? सर्वाधिक इष्ट राष्ट्र उपचार, बराबर है। वार्ता के साथ व्यापार बाधाओं को कम करना, ये भी बराबर है। एंटी डंपिंग और एक्सपोर्ट सब्सिडाइज जैसे अनुचित व्यापार प्रथाओं को हतोत्साहित करना, ये भी बराबर है। इनमें से किस वर्ष नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की शुरुआत की गई थी? अक्टूबर 2005। भारत में कृषि में बेरोजगारी की प्रकृति कैसी है? मौसमी और प्रछन्न। जब किसी राज्य की आर्थिक प्रणाली की उत्पादक क्षमता पर्याप्त संख्या में रोजगार पैदा करने के लिए अपर्याप्त होती है तो उसे क्या कहते हैं? आंसर है संरचनात्मक बेरोजगारी। और भारत में अभी यही चल रहा है। भारत में पढ़े लिखे लोग बहुत है बट रोजगारी ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1971। भारत में अपनाई गई नई कृषि नीति का मूल तत्व है बीज उर्वरक और पानी। अर्थव्यवस्था के विकास करने के साथ राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कम हो जाता है ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ कोलिन क्लार्क का मॉडल है। कोलिन क्लार्क ने वही बताया, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ जाती है उसमें प्राइमरी जो सेक्टर है उसका योगदान कम हो जाता है, सेकेंडरी भी कम होते जाता है, टर्शरी बढ़ते जाता है, क्वार्टनरी बढ़ते ही जाता है, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, पंचम क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है उनका योगदान बढ़ते जाता है। इसको कहते हैं कोलिन क्लार्क मॉडल। राजकोषीय नीति का आधारभूत लक्ष्य है स्थिरता के साथ तीव्र विकास।
स्थिरता के साथ तीव्र विकास। केंद्र सरकार के खर्च सबसे तेजी से किस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं? आंसर है सब्सिडी। तो फ्रेंड इसी प्रकार आज हमने भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख प्रश्न भाग एक देखा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में तो मैं यही कहूँगा, जहाँ ना पहुँचा राशन वहाँ पहुँचा दो मेरा भाषण, जिसके वजह से इसका बेनिफिट सबको मिले। थैंक यू।